ये है मीनाक्षी, गोपाल राव की धर्म पत्नी और लॉर्ड गोपाल की परम भक्त। नॉन स्टॉप पूजा पाठ से पति के नाक में दम कर रखा है। और ये है जूनियर गोपाल, मास्टर मोक्ष, मैथ्स की तरह मम्मी पापा के इक्वेशंस भी समझ नहीं पाता। और ये है गोपाल राव की दीदी और प्यारे जीजू। गोपाल ने इनकी शादी में खूब दहेज दिया, महाशय ने उसी दहेज को लोन बना के वापस गोपाल को चिपका दिया। आज तक सूद वसूल रहा है। क्यों रे, तेरे भाई ने इस महीने का ब्याज नहीं दिया, साला होने का नाजायज फायदा उठा रहा है वो, मुझसे बच नहीं पाएगा। तुम भी नहीं बचोगे अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड से हाथ नहीं हटाया तो। मम्मी, रोड रोलर की तरह दिखने वाला ये किंग साइज ढोल दरअसल ओथू है। भक्ति का ये अंदाज इसने मीनाक्षी से सीखा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये महाशय गोपाल है कौन, जिसे लोग विलन समझते हैं, क्योंकि दुनिया जिन भगवानों की पूजा करती है वो उन्हें ही बेचता है। अरे राजू, जय गणेश, माँ ने कहा था रास्ते में। अबे चाल जल्दी, नहीं तो यही मंदिर बन जाएगा। आता हूँ। देवा घंडालों का कहीं भी पूजा शुरू कर देते। पता नहीं गुरुजी, गणेश को हेलमेट पहनाने की क्या जरूरत। अरे जब तक ये बिक नहीं जाती, खुद से ज्यादा इसकी रक्षा करनी होगी। मतलब गुरुजी? नहीं समझ में आया? नहीं। जिस तरह आइसक्रीम वाला आइसक्रीम फ्रीजर में रखता है और खुद धूप में खड़ा रहता है, बस मैंने वही किया। गलत बात है, आइसक्रीम में और भगवान में फर्क है। क्या फर्क है बता? ये तो भगवान है, हमें मूर्ति की इज्जत करनी चाहिए। मामू, जब तक ये बिक नहीं जाती, ये सिर्फ मिट्टी है, जब हम इन्हें बेचते हैं तब ये भगवान बनते हैं। दो पानी कम बोल। भाई साहब, गंगा जल है? क्यों नहीं काकी, सेठ जी ने अभी अभी बोतल भरी है। इसका मतलब है कि अभी अभी ताजा माल भरा है। इस गंगा जल की एक बूंद छिड़कने से आपके सारे पाप इंस्टेंटली धुल जाएंगे। गंगोत्री से गंगा ट्रेवल्स में अभी आया। गंगा जल है? अरे रे, क्या गुरुजी, वो तो म्युनिसिपैलिटी का पानी। और वो तो सुनकर उसे गंगा जल का सर्टिफिकेट दे गई। हरिओम हरिओम, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यम भ्रो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या ये तुम्हारे लाइफ की पहली बाइक है? ओके, मुहूर्त का समय होने ही वाला है, एकदम तैयार रहना। 1 2 किक पर पैर रखो। 3 कर दिया अब शगुन। क्या हुआ पंडित जी? छींकने का मतलब अनर्थ होना, अब तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। सेकंड गियर में आते आते अनर्थ हो जाएगा, बाइक को त्याग दो। ऐसा मत कीजिए पंडित। नहीं नहीं, शुद्धिकरण कराना होगा, उसके लिए पूजा करनी होगी, उसका खर्च है 1,01,001 रुपए। और क्या कैसा उल्लू बना रहा है ना, ये है अंधेर नगरी। उत्तरी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब रास्ता बदल के जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी है, चल भाग। शिव के लिए नशित कर दिया, नहाना पड़ेगा। भगवान मेरी रक्षा करना। तुम्हें चलो, मैं आता हूँ। पैसे दो ना, 1670। अरे बाप रे बाप। अरे ध्यान से। अरे नहीं, सब बिगाड़ दिया। अब फिर से बनाना पड़ेगा ना। बची गया, जरूर कुछ बुरा होगा। शाबाश, अब भगवान खुश होगा। वो छत भी तोड़ दो। अरे क्यों बेचारे का घर तोड़ रहे हो? वास्तु गलत था। ये अंगूठी पहनते ही आपका प्रमोशन पक्का। अरे इसे तो आप डीआईजी बन जाओगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पापा जय गणेश जय गणेश। अरे वो टीवी के अंदर है, पढ़ाई पे ध्यान देना। ये आदमी भी ना, अरे धुएं से पेट फट जाएगा। अरे शुरू करे जे। हाँ हाँ, आपको येलो रंग की मूर्ति मिल जाएगी। आज आज हल्दी लगा दी, खराब कर दी। अरे पर तुमने खुद ही तो किया। सॉरी, शर्ट खराब कर दी। कैसे जाएगा ये रंग? जा अंदर, जा। यहाँ मैं येलो बन गया हूँ। ये बन गई आंखें, थोड़ी सी हल्दी और 30,000 रुपए। आहा, क्या बात। तो फिर ये, अच्छा और अगर एक तो ये क्या हो रहा है? 1,000 बार भगवान का नाम लिखने से वो मिलते हैं, मम्मी ने कहा। ऐसा कहा? मम्मी ने ऐसा कहा?
मेरे डैड की लास्ट विश थी पूरे फैमिली को अपने साथ वाराणसी लेके जाऊं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे साथ चलें ताकि डैड की आत्मा को शांति मिले। आप सब चलेंगे ना? आपका परिवार भी चलता तो अच्छा लगता। हम जरूर चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ 4 दिन की बात है, प्लीज मान जाइए। आप कुछ कहिए ना। भैया चलो भी, वहाँ जाने से हमें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। काशी के टिकट पे इतना पैसा खर्च करने के बजाय किसी गरीब को खाना खिला देते हैं। भैया बेटा अपने बाप की आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। अरे 2 साल से जब बुढ़ा बिस्तर पे था उसने एक फोन नहीं किया हमें। अमेरिका में बैठा और डॉलर छाप रहा था और अब दिखावा कर रहा है। डैडी प्लीज चलते हैं ना, हमारा बहुत मन है, वहाँ बहुत मजा आएगा। गुरुजी सुना है काशी में भगवान की मूर्तियाँ सस्ती मिलती हैं, हम भी ट्रक भर के ले आते हैं ना। हाँ उनके लिए भजन ट्रिप, हमारे लिए बिजनेस ट्रिप। हाँ तो लगाओ फोन ट्रैवल एजेंट ने। क्या सच में जाना है भैया? अब बच्चों के आगे किसी की चलती है क्या? मुंह क्या देख रहा है, तारी चाल से चल। महान है भगवान जी। कौन है भाई? बाबा आशीर्वाद। अरे सो कर जे, किसके पैर पड़ रही है? चलो। अरे कहाँ ले जा रही मुझे, अब मैं क्या करूँगा? आओ आओ सारे पाप धोने के लिए। अरे साले साहब ये कहाँ ले आए? आपका तो पता नहीं कपड़े जरूर धुल जाएंगे। क्या कर रही है? आओ ना। नहीं मैं नहीं आऊँगा। हाँ तुम लाओ। जय माँ गंगा, जय शिव शक्ति। ओह मुझे माफ कर दो भाई। जय माँ गंगा, जय शिव शक्ति, जय माँ हाँ जी भाई साहब, 3 डजन खाते पीते मोटे गणेश जी पार्सल कीजिए, 2 डजन मुरली वाले की मूर्तियाँ और 12 पीसेस 6 पैक वाले हनुमान भी। रेगुलर जिम तो जाते हैं ना। 12 पीसेस टाइगर पर बैठी लेडी भी दीजिएगा, टाइगर के पैसा अलग नहीं दूंगा। अरे भाई वो दुर्गा माता है। हाँ हाँ जय माता दी। टोटल कितना हुआ? टोटल बिल 12,000। इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ तब तो आपको 6 साई बाबा कॉम्प्लीमेंट्री देने चाहिए, मेरे जैसा ग्राहक रोज थोड़ी आता है। ए भाई जरा नजदीक आओ, एक 5,000 साल पुरानी चमत्कारी शिवलिंग है, करोड़पति बना देगी। बस 1 लाख का और खर्चा है। 1 लाख का? अरे मेरे लाल मेरे पीले, मैं लोगों को टोपी पहनाता हूँ, तू मुझे टोपा पहना रहा? जितना तू पढ़ा है मैं भूल गया हूँ। दिए हुए एड्रेस पे माल डिलीवर कर देना। 1 लाख की शक्ल देखिए, अपने बाप को चूना लगा रहा है। भैया कुछ परंपराएं हमें निभानी ही पड़ती है। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। तो काशी सिर्फ मूर्तियाँ खरीदने आए हो? आप इस पर ध्यान मत दो, पूजा शुरू करो। सूट जरूरी छे? हाँ जरूरी है। चलो झंझटता ने खबर छे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जाओ ना। छोड़ो मुझे। खाने की बर्बादी। अच्छा राजू। जी गुरुजी। वाराणसी से आई मूर्तियों को काउंटर पर सजा दिया? कल ही सजा दिया है। सब मूर्तियों से प्राइस टैग निकाल देना। हाँ। उन पर खाली स्टिकर चिपकाना, प्राइस लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों गुरुजी? शक्ल देख के तिलक लगाएंगे। हाँ। नहीं 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 माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये स्वयंभू है। 1,000 साल पहले धरती से प्रकट हुई थी। स्वयंभू? चमत्कारी कृष्णा बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे। ओहो। 3 साल पहले मेरा धंधा मंदा चल रहा था, मैं अपने मन की शांति के लिए मानसरोवर गया। लो शुगर की वजह से एक साधु चक्कर खाकर गिर गया। मैंने उसे घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने मुझे आशीर्वाद के रूप में मूर्ति दी और उस दिन से मेरी लाइफ की काया पलट हो गई। पहले मैंने शोरूम खरीदा, उसके बाद 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा विद अटैच्ड बाथरूम।
विद अटैच बाथरूम। ये सब इन्हीं कृष्ण कन्हैया की लीला है। मारो वालो कानड़ो, जय हो। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता, आप चाहे तो 50% डिस्काउंट में कुछ और ले लीजिए। मुझे ये स्वयंभू ही चाहिए। मेरी 3-3 बीवियां हैं और 21 बच्चे हैं। क्रिकेट के सट्टे में 50 करोड़ रुपए गंवा चुका हूँ। तो राजस्थान का बकरा है। 100% फक्कड़ हूँ। आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। आप मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, असल मैटर कुछ और है। उस साधु ने कहा था कि राजस्थान से एक साईं भक्त यहाँ आएगा और उसने ये भी कहा कि ये मूर्ति मैं उसे ही दूं। अब बताइए मैं आपको कैसे दे दूं? अरे भाया, मैं ही हूँ राजस्थान वाला। देखो देखो, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है, सबका मालिक एक। अरे भाया, मैं ही हूँ साईं बाबा का परम भक्त भंवरलाल। भंवरलाल, तुम ही हो वो भंवरलाल? मैं ही हूँ भंवरलाल, राजस्थान से। हाँ। वो गाड़ी? हाँ। वो बाबा भक्त? हाँ। अरे राजू, यही है वो बाबा भक्त, देखा? मैं ही हूँ, वही शिरडी बाबा भक्त और वही राजस्थान की गाड़ी। हे कन्हैया, यू आर ग्रेट। भंवरलाल जी, ये लीजिए लीजिए, ये आपकी हुई। मेरा नंदलाला, मदन गोपाला, मेरा नंदलाला, आओ मेरे नंदलाला। सिर्फ 100 का नोट रखा। अरे राजू, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास है, कृष्ण ने बहुत दिया है। याद है ना उस दिन मैंने साधु को अपना पूरा गोल्ड उतार कर दे दिया था, तभी तो 100 गुना फल मिला है। अब सेठ जी की डिमांड छोटी है, 100 के बदले 200-300 मिल जाएगा। अरे आपने क्या बात कर दी, मैं भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये देखिए, ये चेन ले लीजिए, ये अंगूठियां लीजिए, मेरे पास बहुत सोना है, ले लीजिए। अरे सब कुछ कुर्बान है, 80 देखकर निकलिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और 3 बच्चे और पैदा करूंगा। एक नंबर का कंजूस था, 500 रुपए की मूर्ति के 1 लाख रुपए निकलवाए मैंने। अब ये है 1500 साल पुरानी मूर्ति, जय कन्हैया लाल की। अग्नि कुंड पर चलने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। औरतें और बच्चे भी इसी उम्मीद में आए हैं कि अग्नि पर चलने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम इन दृश्यों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देख रहा राजू, जाके तू भी ट्राई कर ले, शायद तेरे कष्ट भी दूर हो जाए। ये कहां से प्रकट हुई? मथुरा, वंस अपॉन अ टाइम वृंदावन। अरे बाप रे, मीनाक्षी वहाँ क्या कर रही है? भाभी भी वहाँ पुण्य कमाने के लिए गई हैं। अभी आपने जो पाप किया है उसे बैलेंस करने। चुप कर गांडिया, एक धुआं घुमा के चल, दुकान बंद करा जा। गोपाल भाई, क्या बात है असलम भाई? आप जरा मेरी दुकान का ख्याल 1 महीने के लिए रख लेंगे? क्यों, कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, सोचा मक्का जाकर अल्लाह से मैं दुआ मांगू। असलम भाई, अल्लाह से यहीं दुआ मांग लो ना, और हज के उन्हीं पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते? ठीक, ये रखिए रखिए रखिए, इन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए। हैप्पी जर्नी। भक्तजनों, उस भगवान ने इस भगवान को पृथ्वी लोक पर आपके लिए भेजा है। स्वयं परमेश्वर रात को मेरे सपने में आए और मुझसे कहा, मेरे सभी भक्तों को मोक्ष की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। ये देखिए, सालों की तपस्या से मैंने बनाया है ये मोक्ष का द्वार। जो इस अग्नि पर चलकर उसे पार करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। सब आपकी कृपा है, कल्याण हो वत्स। अगर जीत गया तो बैंकॉक चलेंगे। जय 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 सिद्ध गुरु। तू यहाँ रुक। जय 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 जय, आप ही आत्मा, आप परमात्मा। जय 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 सिद्ध गुरु। जय 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 सिद्ध। मीनाक्षी, मोक्ष। सुनो, बेड़ा पार लगा गुरु, महिमा है धासु गुरु, महिमा है धासु। आगो जा। जय 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 शांत गुरु, सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए सिद्ध गुरु, चुप रे खाते, शांत हो जाइए। सिद्धेश्वर महाराज ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैंने कौन सा संदेश भिजवाया है? प्रिय भक्त जनों, सिद्धेश्वर महाराज के हैप्पी बर्थडे पर कृष्णा उसे सेलिब्रेट करने धरती पर उतरे। केक की बजाय उन्होंने माखन खाने की इच्छा व्यक्त की। जिस तरह कृष्णा बचपन में मक्खन चुराते थे, सिद्धेश्वर महाराज कभी मंदिरों से चप्पल और दान पेटी से पैसे चुराते थे। आज जो कृष्णा को मक्खन खिलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, कुमारों की शादी हो जाएगी।
टफर स्टूडेंट भी एग्जाम में टॉप करेंगे। टूट पड़िए, मुक्ति पाने का ये लास्ट चांस है। एक घंटे बाद कृष्णा की फ्लाइट है। चलिए चलिए जल्दी घर भागिए, कहीं देर ना हो जाए। भक्तजनों, यहीं से मक्खन खरीदना मत भूलना। भक्तजनों, भक्तजनों वापस आओ। भक्तजनों जल्दी से घर जाइए, देर ना हो जाए। अरे रुको रुको, बिना मेरे आदेश के कहाँ जा रहे हो? इसके कहने पे मत जाओ, वापस आओ। देखा आपने, महाराज खुद आपको जाने के लिए कह रहे हैं। जल्दी जाइए, मौका हाथ से ना निकल जाए। किसी मूर्ख की बातों में आके तुम अपने बेटे को आग पे चलाने आ गई? तारू मगज तो ठिकाने से चल। अरे ए, पापी रुक जा। भगवान को रुष्ट करने का अर्थ जानता है? मुझ जैसे आदमी को नाराज करने का अर्थ जानता है? ये गुस्सा अपने उन बेवकूफ भक्तों पर दिखाना। अरे मूर्ख प्राणी, मानव कल्याण के कार्यों में इस प्रकार विघ्न डालना एक घोर पाप है। सृष्टि के सर्जनहार ने बनाई परंपराओं का अपमान करने का अर्थ है अपना सर्वनाश करवाना। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मम्मी। हे, तूने भगवान के रूटीन को डिस्टर्ब किया है, अब वो तेरी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये निश्चित है, देख लेना तेरा विनाश होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये तो सिर्फ एक झलक है। धमकी पूरी हो गई तेरी, अब केले खा और आराम से सो जा, बारिश आने वाली है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, ये सब इस नास्तिक के दुष्कर्मों का परिणाम है। बहुत जल्द इसके जीवन में महाप्रलय आएगा। अब सुनिए वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भगवान कृष्ण की मूर्तियों ने अचानक दूध और मक्खन खाना शुरू कर दिया है। आइए देखें उसका आंखों देखा हाल। लीजिए ना प्यारे कृष्णा, प्लीज कृष्णा मना मत कीजिए, जीरो कोलेस्ट्रॉल का मक्खन है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाइए ना। क्या कान्हा मक्खन खा रहे हैं? नहीं खा रहे, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, फिर भी नहीं खा रहे। क्या कृष्ण ने आपके हाथ से बटर खाया? नहीं खाया, कब से निवेदन कर रहा हूँ लेकिन प्रभु चक भी नहीं रहे। मामा, आपकी बातों को लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया, ऊपर से न्यूज वालों ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। त्रिलोक के साथ मैं नताशा। पहले धर्म के काम में विघ्न डाला और अब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपको इसकी सजा मिलेगी। ये कौन सा धर्म का कार्य है? आग पर चलने से किसके पाप धुल जाते हैं? अरे आग है या डिटर्जेंट पाउडर? आज जो भूकंप आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया। अच्छा, वो भूकंप था? एक गिलास तक तो टूटा नहीं। गोपाल बाबू। हाँ सुचे। तुम्हारे घर के कृष्ण ने मक्खन तो खा लिया है ना? हाँ, अब तक आधा किलो चट कर चुके हैं। हमारे कान्हा ने चखा ही नहीं। आज नहाते समय साबुन लगाया था? नहीं तो फिर कैसे खाएंगे? जाओ साबुन लगाओ फिर खाएंगे। अभी लगाता हूँ। मरी गयो। भैया जल्दी से न्यूज लगाओ। अब क्या रह गया? आज शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 3.5 नापी गई। किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सेंट्रल मार्केट में सिर्फ मूर्तियों की एक दुकान ढह गई है। ये दुकान गोपाल राव की है जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि इस दुकान के आसपास किसी भी दुकान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लगता है ये भूकंप इसी दुकान के लिए आया था। मैंने अभी टीवी पे न्यूज देखी। हम भी वही देख रहे हैं पापा। बाकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा शोरूम टूटा है। भगवान की मूर्तियां बेचकर घर चलाता है लेकिन खुद भगवान के वजूद पर यकीन नहीं करता। केवल इसी की दुकान तोड़ के भगवान ने इसे सजा दी है। आप किया है तो फल भी भुगतना पड़ेगा। इसके कर्मों का फल इसके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। भगवान से पंगा लेगा तो ये हश्र होगा। सुना है एक स्वामी का अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया होगा इसको। मुझसे मरम्मत के लिए लोन लिया था, अब तो दुकान ही गायब हो गई। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल रकम वापस कर दो अभी। ये पैसे मांगने का वक्त नहीं है, आप देख नहीं रहे मेरे गुरुजी का 80 लाख का नुकसान हो गया। क्या 80 लाख? दुकान के अंदर 50 लाख की तो मूर्तियाँ थी और एक महीने पहले ही रिनोवेशन में लगभग 30 लाख खर्च किए थे। क्या कहा 80 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? घर को सेठ रामजी के पास गिरवी रख के 60 लाख का लोन लिया था और 20 लाख जीजा जी से। 20 लाख? मुझे तो 10 बताया था। हाँ। ज्यादा ब्याज के चक्कर में छुपा के दिया था। मुझसे बिना पूछे लोन क्यों दिया? देखा तूने, सारा पैसा डूब गया। बाबा इससे पैसे मैं निकालूंगा, आप बस हवा मारो। बोल गोपाल, पैसे कब देगा? जीजा जी बात ऐसी है, दुकान टूटी है, मैं नहीं टूटा हूँ।
बैंक अकाउंट में मुश्किल से 30,000 रुपए होंगे। बेचने के लिए जेवर तक नहीं है। बताओ किस तरह ये कर्ज चुकाओगी? आपको भगवान की इस तरह हंसी नहीं उड़ानी थी। ये सब कुछ नहीं होता। अपना ये भक्ति चैनल बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान के खिलाफ बोला इसलिए उन्होंने आके मेरी दुकान तोड़ दी? और ये साबित करने के लिए कि वो है, उसने ये भूकंप पैदा किया और मेरा इतना नुकसान कर दिया। और क्या? गलत कह रहे हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये चाबी देख रहे हो? अब इस चाबी से कौन सा ताला खोलेंगे? जानते हो ये क्या है? 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। नुकसान का 1-1 पैसा वापस आ जाएगा। और मैं अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैं जीवन में कभी करूंगा। हे भगवान, इंश्योरेंस के सारे पैसे दिलवा देना। पैसा कब तक मिल जाएगा? रोलेक्स असली नहीं, चोर बाजार की है। सैगल साहब, आपके हाथ में ये रोलेक्स की घड़ी है ना? 1 लाख की तो होगी। 10 लाख। पैसे मिल जाते तो हम निकल जाते। मिस्टर गोपाल राव, पॉलिसी लेने से पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे ना? नहीं सर, आपके एजेंट ने जहां साइन करने के लिए कहा मैंने कर दिया। क्यों, क्या बात है? आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस का मतलब खुद को सुरक्षित रखना। इंसान पॉलिसीज लेता किस लिए है? आग, एक्सीडेंट या चोरी से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए ना? एकदम करेक्ट, इसीलिए तो ली थी पॉलिसी। आपको मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस की वजह एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड? यप, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने पर बाध्य नहीं है, अगर ये नुकसान भगवान की वजह से हुआ हो तो। और ये है आपके किए हुए सिग्नेचर। सर, राही जितने छोटे शब्द हैं, अब एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? वैसे एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है? मतलब ऐसी दुर्घटनाएं जिन पर इंसान का बस ना हो। इतने? जैसे कि भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बाढ़ वगैरह वगैरह। देखिए, हमारी कंपनी लॉस कंपनसेट नहीं करेगी अगर दुर्घटनाओं का जिम्मेदार खुद भगवान हो तो। पर मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। क्या ना, ये सच है। आपके विश्वास से हमें कोई लेना देना नहीं। इस एग्रीमेंट पर आपने खुद ही दस्तखत किए हैं। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी का मैं क्या करूं? अपनी सारी सेविंग्स तो मैंने शॉप में लगा दी है और मेरा घर भी गिरवी है। आपका क्लेम इनवैलिड है, अब आप जा सकते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने क्लेम का पैसा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्यों बुला रहे? मैं अपने हक का पैसा ही तो मांग रहा हूं आपसे। अरे इन्हें बाहर लेके जाओ। मेरी पूरी बात सुनिए, मेरे पास अपने सारे पेपर्स हैं और आप एक मिनट हाथ हाथ हटाइए। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। लुभावनी बातें तो आप बड़े अक्षरों में लिखते हैं और टर्म्स छोटे शब्दों में। मेरा हक मार के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप चोर हैं। जो कह रहे हैं क्या कहा तुमने? चोर कहा, क्या कर लेगा? मैं अपने हक का पैसा लेने आया हूं और अपना पैसा लिए बगैर यहां से जाओ। चीटिंग करते हो तुम। जस्ट गेट आउट। चोर बाजार से 2,000 की घड़ी खरीद के उसको 10 लाख की बताना। समझते क्यों नहीं, हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। इट इज एक्ट ऑफ गॉड, उसके डिसीजंस में दखल कैसे दे सकते हैं? अगर शिकायत है तो भगवान से जाके मिलो। क्या कहा? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड? एक मिनट हाथ हटाइए, फाइल पकड़। एक्ट ऑफ गॉड यानी आपको भगवान में विश्वास? बिल्कुल है। यानी भगवान यहां पर सब जगह मौजूद है? हाँ, बिल्कुल। इसमें? उसमें? आज जाड़िया में? उस मैडम में? उनमें भी। तो सैगल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में भी ईश्वर मौजूद है? जरूर होगा। थैंक यू सर। रुको रुको रुको, मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। भगवान ने मारा है। फिर से मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा। मेरे अंदर भगवान, उसके अंदर भगवान, ये भगवान और भगवान की बीच की फाइट है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। फिर से भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा। चल गंदे गंदे गंदे, हट हट, चलो बढ़िया। मैं नहीं चलाऊंगा, प्लीज गोली मत चलाना। भगवान की कसम खाता हूं,
मेरे अंदर का भगवान चलाएगा। चलाऊं? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को इसका क्लेम मिलेगा ही नहीं, या फिर इसे भी एक्ट ऑफ गॉड बना देगा। कोई से रुको गुरुजी, बंदूक छोड़िए। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ढोकला चोर, एक्ट ऑफ गॉड, चोर कहीं के। गेट बैक टू वर्क। राम जी प्लीज धीरज रखिए, बहुत जल्दी सूद समेत पैसे चुका देंगे, घर के पेपर्स वापस लौटा दीजिए, हमारी प्रॉब्लम तो समझिए राम जी। एक महीने की मोहलत दिए बस, अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो ये घर किसी और को बेच देंगे। मैंने शॉप को सेल पर लगा रखा है, पता करो उसका क्या हुआ। ठीक है। गुरुजी, एस्टेट एजेंट को आपसे बात करनी है। हाँ सेठ जी, दुकान का खरीदार मिला क्या? क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? भगवान की मूर्तियां खंडित होने से वो जगह अशुभ हो गई, ऐसी अपवित्र जगह कोई नहीं खरीदना चाहता। जमीन की खुदाई में अगर कोई मूर्ति निकल आए तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है, लोग वहां मंदिर बना देते हैं। आपको कोई खरीदार ना मिले तो मेरी इस जमीन को आप भूल जाइए, एक से बढ़कर एक बेवकूफ मौजूद है। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। राम जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने 101 दिन निर्जल उपवास रखने का प्रण लिया है, 1 करोड़ बार उनका नाम भी लिख रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम। 1 करोड़ बार लिखने पर स्याही और पेपर की कितनी बर्बादी होगी। एक काम करो, अपने भगवान से कहो अपने जेवरों की गठरी दे दे, सोने का चक्र दे दे, त्रिशूल दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मांगूंगी तो जरूर दे देंगे, और आप मांगेंगे तो जल्दी मिलेगा। क्या कहा? आप भगवान से बात कीजिए, वो जरूर मदद करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, इस तरह बात करूंगा कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। गुरुजी, गुरुजी नहीं, रुकिए रुकिए, सुसाइड सुसाइड, गुरुजी सुसाइड कर रहे हैं। अरे छोड़, इतना कमजोर नहीं हूं मैं, अब मैं कोर्ट जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी पर केस करेंगे तो उम्र निकल जाएगी, आपके जैसे कई लोगों ने केस किए होंगे। उस कंपनी पर तो कई लोगों ने केस किए होंगे, पर किसी ने कृष्णा पर केस नहीं किया होगा। मैं सीधा भगवान पर केस करूंगा। जिसने हमें बर्बाद किया उसे तो कोर्ट ले जाके रहूंगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। हे भगवान, मेरा पैर। क्या हो गया राजू? सुबह सुबह योगा का नया आसन किया तो पैर में मोच आ गई, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जाइए। क्या कहा? गुस्सा मत करो, मैं आता हूँ ना। पगड़ल में, तू चिंता मत कर, अगर भगवान है तो उसे नीचे बुलवा कर ही रहूंगा मैं। गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है, आपके केस करने पर भगवान क्यों कोर्ट में आएंगे? कोर्ट के नजदीक एक मंदिर है, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पे, बीच में लंच ब्रेक भी होता है, बस उसी ब्रेक में भगवान कोर्ट का चक्कर लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता वो आएंगे गुरुजी। देखता जा बेटा। सर सर, आपका केस लेके मेरे पास आइए। सर मैं आपका केस जीता हूं। वकील की सेल लगी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो पीछे भाग गया। सिगारे जो चबाने निकल आए। ये आ गया हमारा केस खाने। आप यहाँ आइए सर, ये सब मेरे जूनियर्स हैं। और आप? मैं सीनियर लॉयर हूँ। अच्छा, मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। भगवान को नीचे आना पड़ेगा इस धरती पे मुझे हराने। हाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा। बोलिए सर। किसी ने मेरी दुकान तोड़ दी है। समझ गया, बड़ा क्राइम। दुकान तोड़ने वाला भी बड़ा आदमी होगा। हाँ दुनिया तो उसे बहुत ही बड़ा समझती है। वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, केस हम लोग ही जीतेंगे। हा? ये मेरी गारंटी है। अच्छा बताइए उसका नाम क्या है? भगवान। भगवान। सरनेम क्या है सर उसका? सरनेम मतलब वो नाम के आगे क्या लगाता है? शर्मा, वर्मा, पटेल। वैसे उसके मैं कहीं नाम जानता हूँ पर उसका सरनेम कभी नहीं सुना। समझा, उसका कोई सरनेम नहीं है। उसका एड्रेस भी दोगे तो भी काफी है। जल्दी से उसका ऑफिशियल एड्रेस बताइए। एड्रेस तो उसके मुझे बहुत सारे पता है। केरव काशी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, शिरडी, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका, वैष्णो देवी। किसके इतने एड्रेस होते हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण मंदिर भी है, कुछ लेडीज भी है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा।
क्यों रे? कब से मूर्ति बना खड़ा है बता नहीं सकता कि ये पागल है? इसे सीधा यहाँ से पागल खाने लेके जा। प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ सुनो, मैंने एड्रेस पूछा तो तूने क्या बताया? वो काशी में रहता है, तिरुपति में रहता है, द्वारका में रहता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ में तू ही बचा समझाने के लिए मेरा एक घंटा वेस्ट कर दिया, यहाँ से खड़ा क्यों है? भगवान पर केस करेंगे। टीवी सीरियल ज्यादा देख रहे। अबे नींबू पानी में सिर्फ नींबू है, पानी का है ये भी सटकेला है। सर अबे भगवान पर केस करेगा, दिमाग खराब हो गया, चल भाग यहाँ से। सुनिए सर, मुझे इस गार्डन से भी निकलवाएगा क्या? चल जाए यहाँ से। सर आप ही ले लीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हारा केस मैं नहीं लड़ सकता, माफ करो, इन्हें लेके जाओ भाई। अरे गुरुजी, मारो केस ले लो। गुरुजी मेरी बात सुनिए। अरे सुनो तो गुरुजी। गुरुजी जड़िया बात सोचे, ये सब मुझे देख के भाग के नहीं लड़ना चाहते, अब क्या करेंगे गुरुजी? टेंशन मत ले, हम एडवोकेट अकबर से मिलने जा रहे हैं। एक टाइम में वो फेमस लॉयर था, उसने केस ले लिया तो हमारी जीत पक्की। फिर से काले कोट वाला? मैं दूर ही खड़ा रहूंगा, वरना मार खा खा के गाल पिचक जाएगा। ठीक छे। एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है। अकबर साहब घर पर हैं? अब्बा जान घर पर ही है, आ जाइए। आदाब। काफी मुश्किलों से गुजर रहा हूं। कुछ साल पहले दंगों का एक केस लड़ा था, मैं बेकसूर हिंदुओं की तरफ से वकील था। मेरे कौम वालों को यह बात नागवार गुजरी। अब्बा जान अब चल नहीं पाते। मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के बीच रहते हैं हम। जिन देवताओं पर उन्हें श्रद्धा है उन्हीं के खिलाफ केस लड़ना चाहते हो, आखिर कितने दिनों तक टिक पाओगे? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है अकबर भाई। मुझे देख रहे हो, ऐसी हालत में कैसे केस लड़ूंगा मैं? लेकिन हाँ, अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार ना हो तो तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। नो, देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, फीस मैं लूंगा, केस तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क ज्यादा जेन्युइन है। मैं सिर्फ एक ही मदद कर पाऊंगा, तुम्हारी तरफ से लीगल नोटिस भेजूंगा बस, ठीक है ना? थैंक यू अकबर भाई। ये लीगल नोटिस कौन से एड्रेस पे भेजना है मुझे? एड्रेस नहीं है, बिना एड्रेस के जज एक दिन में केस खारिज कर देगा। मेरे पास ईश्वर का एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसकी खोज में लोग जिस जगह जाते हैं उस जगह का एड्रेस जरूर है। रिलैक्स स्वामी जी, जस्ट रिलैक्स। गोपाल राव जिनकी दुकान एक भूकंप में ढह गई थी, अब वो ईश्वर के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। मुख्य मंदिर के गुरुओं को गोपाल राव ने लीगल नोटिस भेजा है। लोगों ने गोपाल राव के खिलाफ मोर्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। एडवोकेट शंकर नारायण, जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है, अदालत में वो भगवान की तरफ से पैरवी करेंगे। रिलैक्स स्वामी जी, रिलैक्स। कोर्ट केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तो और आपको कोर्ट की शक्ल तक देखनी नहीं पड़ेगी। स्वामी,
हमें उसे बुलाना चाहिए, उससे मिलकर उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। हमारे पथ भिन्न हो सकते हैं पर पड़ाव एक है, भक्ति की पद्धति भिन्न है परमात्मा एक है। आज एक साधारण मनुष्य ने उस पर सवाल उठाया, ईश्वर को कोर्ट बुलवाया। वैसे ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ईश्वर में विश्वास करने और ना करने वालों के बीच की लड़ाई है। ईश्वर का अर्थ है धर्म, न्याय पाने हेतु आम इंसान कोर्ट की राह देखते हैं, लेकिन उसने तो न्याय को ही कटघरे में खड़ा किया। आज स्वयं मैं, सिद्धेश्वर महाराज और गोपिका माता कोर्ट जाएंगे, उस मूर्ख प्राणी को थोड़ी बुद्धि प्रदान करेंगे। धर्म क्या है उसे समझाएंगे। विश्व के इतिहास में पहली बार एक आम आदमी ने भगवान पर केस किया है, क्या ये संभव है? हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अदालत में भगवान और इंसान में कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर भगवान ने गलती की है तो उन्हें भी कोर्ट आना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप करने से पहले एक बार सोच ले। अब ये क्या आफत है? जय श्री राम! ये अच्छा संकेत है गुरुजी। ए, इन्हीं से केस लड़ने के लिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। हुँ? अच्छा संकेत है। जय श्री राम! जय श्री राम! ए, मुझे नहीं, चल भाग, चल गाड़ी चला। आज केस का पहला दिन है। ये केस एक्सेप्ट होगा भी या नहीं, ये जानने के लिए सारा देश उत्सुक है। यहाँ भगवान के बहुत सारे भक्त गोपाल राव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्वामी कोर्ट आ रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कोर्ट में आना पड़ा? स्वामी जी, मिस्टर गोपाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपने ये केस क्यों किया? सर, सर, गोपाल सर, आदाब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा जान ने मुझे भेजा है, आप वहाँ बैठ जाइए। देखो जज ने कुछ पूछा। हाँ। तो ए ढोकला चोर, अब वो रोलेक्स कैसी है? सही टाइम दिखा रही है? गुस्सा नहीं, वहाँ जाके बैठो। 10 लाख की घड़ी चोर कहीं का। मेरे मोक्ष कुंड यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है वो पापी, मेरे श्राप की वजह से आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है। यही वो दुष्ट है। साइलेंस! गुरुजी खड़े हो जाइए। हरिदास गोपाल राव प्रेजेंट सर।
ऑर्डर ऑर्डर, क्या तुम अपना केस खुद लड़ोगे? सर कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो इसलिए अपने केस की पैरवी मैं खुद ही करूंगा। माय लॉर्ड, ये एक बेसलेस केस है, डन जस्ट फॉर पब्लिसिटी, फर्दर कोर्ट हियरिंग्स के लिए कोई वजह ही नहीं है। सो आई सजेस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, इस केस को स्ट्रेट अवे डिसमिस किया जा सकता है फॉर आउट ऑफ क्लॉज एक्शन। थैंक यू सर जी, मुझे कोर्ट की टेक्निकल भाषा नहीं आती है, अगर आती भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं अपनी सीधी भाषा में बात कहूंगा, बेसलेस कह के ये इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, यही बात है ना सर? ऐसे वकीलों के लिए हर केस एक सूट केस जैसा है, पर मेरे लिए ये मेरे दुख और आंसुओं की अभिव्यक्ति है। प्लीज मुझे मेरे दुख बताने दीजिए। जज साहब, एक भूकंप में मेरी दुकान ढह गई, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस वाले कहते हैं मेरी दुकान भगवान ने तोड़ी है, कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसने तोड़ा है वही इसका पैसा भरेगा, इसीलिए भगवान से मांग रहा हूँ। अरे मूर्ख दुष्ट प्राणी, भगवान से दुश्मनी लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर, आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। भगवान इसकी नादानियों को माफ करना, ऐसे अज्ञानी को सद्बुद्धि देना, इसे सही पथ दिखाना। भगवान इसका अहंकार माफ करना, रात को सपने में जब आकर मैं आपसे मिलूंगा तब इस अज्ञानी और पापी के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। अरे भगवान तुम्हारी दुकान क्यों तोड़ने लगे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, भगवान के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम होंगे, वो अपने काम छोड़कर मेरी दुकान पर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप कंपनी से कहिए सर कि वो मेरे पैसे मुझे दे दे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कंपनी इन्हें पैसे किस लिए दे? योर ऑनर, मैं पेश करना चाहता हूँ कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट, एग्जिबिट नंबर 1। ऐसा है तो भगवान से पैसे दिलवाई, चलो बुलाइए उन्हें, राम को, कृष्ण को, शिव को, ओम बूम बड़म बम बड़म बड़म बूम, ऐसे आपको कई जादुई मंत्र आते हैं, बुलाइए उन्हें। ए, भगवान सिर्फ हम जैसे ज्ञानियों को दर्शन देते हैं, तुझ जैसे अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होते। कोई होगा तो आएगा ना। धर्म के नाम पर खुली दुकानों में रोज करोड़ों का टर्नओवर होता है, उसमें से 1 करोड़ मुझे दे दो, छोटा सा हिस्सा है, अपनी दुकान के स्पेशल डिस्काउंट कूपन दूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, भगवान की निस्वार्थ सेवा को ये एक बिजनेस का नाम दे रहे हैं। सेवा? यहाँ सेवा कहाँ है सर? मंदिर के बाहर चप्पल रखने से लेकर प्रसाद मिलने तक सब कुछ बिजनेस है सर। नारियल खरीदो, फूल खरीदो, फल खरीदो, आरती करने से लेकर हवन करने के लिए अलग अलग रेट्स तय हैं। ये सब क्या है? बिजनेस ही तो है सर। फ्री में दर्शन करना धर्म है, टिकट लेकर दर्शन करना धर्म कहलाना चाहिए। रिसेशन के समय में जब दुनिया के सारे बिजनेस लॉस में जाते हैं, इनका धंधा डबल हो जाता है। मेरे जैसे कष्ट भोग रहे लोग इन्हें दक्षिणा देते हैं ताकि हमें सही रास्ता दिखा सकें। यही एक बिजनेस है सर जो कभी लॉस में नहीं जाता। ऊपर से ये लोग टैक्स नहीं भरते, क्यों स्वामी? सही कह रहा हूं? रिलैक्स, ठीक है, एक बात मान लेते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम समय पे भरा है तो उनसे पैसे क्यों नहीं मांगते? ये स्वामी तुम्हारा नुकसान क्यों भरेंगे बोलो? क्योंकि मैं इनको भी प्रीमियम भरता आया हूं। What? What nonsense you're talking? मैं जानता था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं अपने साथ इसका प्रूफ लाया हूँ। पिछले 18 सालों से जितने मंदिरों में दक्षिणा के नाम पर प्रीमियम भरता आया हूँ, उन सब की रिसीट लाया हूँ। इनमें से कुछ अपनी माताजी के कहने पर भरे और कुछ दक्षिणा अपनी पत्नी के कहने पर। ये देखिए, मेरी जिंदगी का पहला प्रीमियम 1,100 रुपए, उस वक्त तिरुपति के मंदिर में पे किया था। और भी कहीं है, गणपति के स्टॉल के लिए हर साल 5,000 रुपए का चंदा देता हूँ। उसे स्टॉल नहीं कहते मूर्ख, उसे पंडाल कहा जाता है। जानता हूँ। 3 साल पहले मेरी दादी सीढ़ियों से गिरी, डॉक्टर्स ने उम्मीद खो दी थी। एक पंडित ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करवाइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने जाप करवाया, दादी ऊपर चली गई और 30,000 खड्डे में। और सुनिए, दरगाह के लिए चादर, चर्च के लिए कैंडल्स, मंदिर में अगरबत्तियां, आश्रम में चंदे, पिछले 15 सालों में मैं इन सारी दुकानों पर 10 लाख से ऊपर खर्च कर चुका हूं। तेरा सर्वनाश होके रहेगा, इन पवित्र स्थलों को दुकान कहकर तू उनका अपमान कर रहा है। ये सब ईश्वर के घर हैं, जहां लोग अपने परिवार की सुख सुरक्षा के लिए चंदा देते हैं। तो फिर मेरे परिवार की सुरक्षा का क्या? उसके लिए तुम्हें भगवान से बात करनी पड़ेगी, स्वामी जी से बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा, ख्याल नेक है, आपके पास मोबाइल तो होगा, बताएंगे उसमें कौन सा सिम है? रिलायंस। मान लीजिए आपका सिम काम नहीं कर रहा है, तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे या फिर सीधा अंबानी को फोन लगाएंगे कि मुकेश भाई, मुकेश भाई, मारो सिम चाल से नथी। वाह, ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा मतलब ये स्वामी भगवान के ऑफिसर्स हैं? नहीं, ये किस एंगल से ऑफिसर्स हैं? नहीं नहीं, ये तो इनके चेहरे को देख के तो लगता है कि ये सेल्समैन है, भगवान के कलेक्शन एजेंट। न्यायाधिपति जी,
ये मूर्ख अधर्मी और नास्तिक है। इस अधम को तनिक भी आभास नहीं है ये क्या कह रहा है। हम संत हैं, हम तो इसे क्षमा कर देंगे, परंतु इतने घोर पाप के लिए ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे। अगर अपने मन में भगवान के लिए क्रूरता रखेंगे तो जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या तेवर है बाप, मेरे लिए चिंता हो रही है या फिर जज के सामने मुझे धमकी दी जा रही है? हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा है तो मेरा पैसा देकर के मैटर क्लोज कीजिए। This is enough, my lord. Evidence के नाम पर इनके पास donations के कुछ receipts हैं। भगवान और इनके बीच legal agreement नहीं हुआ है। गोपाल राव के तर्क मेरे ख्याल से बिल्कुल stupid लगते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पे केस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ नानी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है सर। मेरी वो दुकान मेरे लिए अन्नदाता थी, माँ जैसी थी। छोटा था तो पापा को खोया, पर कभी रोया नहीं। बस थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन जब अपनी दुकान खोई तो बहुत रोया, पर डरा नहीं, क्योंकि मुझे आप पर यकीन था। यह मंदिर के पुजारी ढेर सारा चंदा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, और बीमा कंपनी कहती है कि टाइम पर प्रीमियम भरेंगे तो लॉस होने पर हमारी मदद करेंगे। जीवन भर ने दान दिया, प्रीमियम भी भरा, लेकिन आज दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा परिवार तो सड़क पर आ जाएगा सर। मेरे बेटे का बचपन रहेगा और नहीं कोई फ्यूचर बन पाएगा सर। जीने का कोई सहारा नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे अपने इस केस को इस कोर्ट के सामने रखने का एक मौका दीजिए सर। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर जब उसकी दुकान उसका एकमात्र कमाने का जरिया हो। यह कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करती है। पेटिशनर को कंपनसेशन कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से, भगवान के खास भक्तों से, या फिर किसी और से? ये कोर्ट में पेश होने वाले एविडेंस और आर्गुमेंट्स के आधार पर निर्भर करता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सरकारी क्षेत्र है, यहाँ तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, परंतु यहाँ से निकलने के पश्चात स्वयं की रक्षा कैसे कर पाओगे? तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, ये मनुष्य न्यायालय में विश्वास रखता है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो यहां भी होंगे। ईश्वर हर मनुष्य में बसते हैं, इसमें भी ईश्वर है। ईश्वर पर घात नहीं करते। सुन राजू, मैं वकील से मिलके आता हूँ, तू उसे तो घर जा। ठीक है गुरुजी। कोर्ट ने गोपाल राव का एक्ट ऑफ गॉड केस एक्सेप्ट कर लिया है। कई सारे धार्मिक संगठन के साथ साथ आम जनता भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही है। ईश्वर भक्ति से काम नहीं चलेगा, भगवान का डर होना भी आवश्यक है। यह करोड़ों का बिजनेस है। भोपाल, क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे।
सुन बे, अपने आदमियों ने तैयारी कर ली है ना? दो कौड़ी का आदमी ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, समझ गया? थैंक्स अकबर भाई। चाय अच्छी थी बेटी। इस युद्ध में तुम अकेले हो, ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का बिजनेस है। तुम शायद नहीं जानते पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। जी ठीक है, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? मेरा पीछा कर रहे हो? डराना चाह रहे हो? मेरे केस करने से खुद डर चुके हो? निकलो यहां से। क्यों बे? भगवान से मिलना चाहता है? मरते वक्त एक तेज रोशनी दिखाई देगी, वही ईश्वर होगा। चल अभी तुझे दिखाते हैं। आज तू बचेगा ना। रुक। क्यों मोटा भाई, एकदम भगवान की तरह बचाया तुमने। भगवान होता तो उड़न तश्तरी में आता बिड़ू। साची बात है मोटा भाई, इंसान ही इंसान की मदद करता है। मुरली मनोहर थोड़ी आएगा इंसान की मदद करने के लिए। सही बोला। Ortiz. लगता है इंपोर्टेड बाइक है। इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? मुंबई टू अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचा सकती है, एकदम बुलेट ट्रेन के माफिक। हाँ हाँ बराबर बोला, बाइक रेसिंग का काफी एक्सपीरियंस है तुझे। कोई शक? हाथ हैंडल पर मोटा भाई। अभिमन्यु के मैरिज और अर्जुन के वॉर में मैं ही उनका सारथी था। अरे अरे शू करे छे देख के, अरे सवाल के सवाल कर रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे गाड़ी आ रही सामने से, क्या कर रहा है? ओए खसो 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 बाजू खसो। ए किरदारी कहां फंसा दिया। ए मरी क्यों रे मम्मी, ए क्या कर?
अरे ये सब रात से बचा ले। ये कौन सा स्टंट कर रहा है, तुझे मौत से डरने लगता क्या? डर वो तो मेरे मामा को लगा था। मामा ये कहां से आ गया? कंस मामू रे। पहले अर्जुन फिर कंस, तुम क्या कृष्ण हो? हे जगमोहन, आकर मुझे बचा ले इस पागल इंसान से। मम्मी बचाओ, मर गया। बची क्यों? अबे क्या कर रहा है? चील, बाप रे, वो क्या है भाई, हमारी ही तरफ आ रही है। हाश, बची गयो। मोटा भाई, मुझे गांधीनगर ड्रॉप कर देना। बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुक दी? स्ट्रेट जाके राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, घर पहुंच जाओगे। अरे जब इतनी दूर आ गए हैं तो मुझे घर तक ही छोड़ दो ना। लिसन ब्रो, मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना, उस पर चलना तेरा काम है। अरे यार ठीक है, थैंक्स। ये लो यार, 100 रुपए रख। खमण खा लेना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। गोविंद गोपाल हरि। अच्छा नाम है। कमलनाथ, कमल नयन, मोहन, मुरली कृष्ण, मुरारी, जगदीश, जगत गुरु, जगन्नाथ, जनार्दन। ये नाम है तेरा? मुझे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मधुसूदन, गिरधर, मनोहर, माधव। बस बस, लिफ्ट के लिए थैंक्स। बाप रे, ये तो साधुओं का भी बाप है। वासुदेव, विष्णु, परमात्मा, परब्रह्म, परम शक्ति, नारायण। ओ, निकल ले गोपाल। नारायण निकल गया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि उस मनहूस की छाया फिर से पड़े। जीजू, ये देखो मनहूस हाजिर। मुझे लगा था तुझे लोन देकर कुछ पैसे कमा लूंगा, देखो क्या हासिल हुआ। जीजू मेरी बात तो सुनो, मुझसे रिश्तेदारी तोड़ दो। चलो अंदर बैठो, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इनसे रिश्ता हुआ था। एक मिनट रुके तो सही। अब देखा तुमने किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। चलो बेटी। ये सब क्या है मीनाक्षी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परेशानी बांट सकती हूँ, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो केस वापस ले लो। डैडी, बात को समझो मीनाक्षी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुमने सबका हश्र देखा ना, इसे कुछ हो जाता तो। अरे मीनाक्षी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ए, किसने फेंका ये? सामने आ, सामने आ। अरे बेटा मीनाक्षी, बेटा बेटा, मम्मी को बोलो गाड़ी रोके। जिद्दी कौन है, मैं या आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बहस किए जा रहे हैं। मीनू, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ भी नहीं समझना, आपकी नजर में सारी दुनिया गलत है। मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती, मुझे अकेला छोड़िए। जरा रोकना भैया। भाई साहब, एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? सीधा जाके लेफ्ट लेना। अच्छा, वहाँ तक ले चलो। अकबर खान साहब का घर किधर है? सीधा जाके लेफ्ट लेना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे अकबर भाई का घर कहाँ है?
ओ भाई साहब, अकबर भाई का घर पूछ रहा हूँ। अरे सीधे जाओ फिर लेफ्ट हो जाओ। चल परा। मुल्क के अलग अलग कोनों से 300 से ज्यादा रिक्वेस्ट, 150 लेटर्स और उतने ही फोन कॉल्स आए हैं। केरला, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब, ये सब एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स हैं। ये सभी क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने इसी क्लॉज के तहत रिजेक्ट कर दिए हैं और ये सभी इसी उम्मीद से आए हैं कि तुम इनका केस लड़के इन्हें मुआवजा दिलाओगे। ये अनवर है। आदाब। आदाब। भूकंप में इसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, बिजनेस और बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो तुम केस क्यों नहीं करते? क्या करूं, अपने मजहब के खिलाफ कैसे जाऊं? अनवर मेरी बात को समझो, तुम किसी भी मजहब की मुखालफत नहीं कर रहे हो। मजहब का मतलब समझाने वाले से, नमाज सिखाने वाले से ये सवाल कर रहे हो कि उस अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की? पर कौम के लोग क्या कहेंगे? कौम के लोग कुछ भी कहें अनवर भाई, तुम अपने बीवी बच्चों को सड़क पर सुलाओगे? मजहब इंसानों से बनता है, मजहब से इंसान नहीं बनता। नमस्ते, मेरा बेटा एक डॉक्टर था, मेरी बहू एक नर्स थी, ये मेरा पोता है। समुद्र किनारे एक बस्ती थी, वहां महामारी फैल गई, दोनों मेडिकल कैंप के लिए गए, वहां से कभी नहीं लौटे। वो एक सुनामी के शिकार हुए। एक ही दिन में एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा दोनों ही एक साथ अनाथ हो गए। अंकल, मैं स्कूल जा सकूं इसलिए दादी दिन रात काम करती है, मुझे किसी चाय की दुकान में काम दिला देंगे? मेरी दादी की सेहत ठीक नहीं रहती है। इन सारे केसेस को फाइल करने में कितना वक्त लगेगा अकबर भाई? जितना टाइप करने में लगेगा। रिलैक्स शंकर नारायण, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक्ट ऑफ गॉड को चैलेंज करने के लिए गोपाल राव के नक्शे कदम पर चलते हुए और 700 लोग सामने आए हैं। सभी धर्म गुरुओं को नोटिस मिल चुके हैं। डिफेंडिंग लॉयर शंकर नारायण इंश्योरेंस कंपनीज और धर्म गुरुओं की तरफ से पैरवी करेंगे। पहले 1 करोड़ ही था, अब 500 करोड़ के क्लेम्स तेरा बाप भरेगा? भगवान से कहो कि वो खुद ही पे करें। प्रूव करो कि भगवान होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी जाओ। अरे ओ गोपाल राव, दुनिया में होने वाली अनहोनियों के लिए तुम खुदा के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मौलवी साहब, भूकंप और सुनामी आने के पीछे भगवान का ही तो हाथ होता है। अब ये कौन से भगवान का हाथ है, ये आप बेहतर जानते होंगे। जज साहब, ये धार्मिक गुरु 24 घंटे भगवान के टच में रहते हैं। आप इनसे पूछिए कि भूकंप कौन पैदा करता है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अनर्थ क्यों करने लगा? जीसस अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या हमारा भगवान ऐसा करता है? तेरे भगवान की बातें मेरे को क्या मालूम। जीसस कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह बंदों से प्यार करता है। मतलब जीसस कम करते हैं? मैंने ये थोड़ी कहा। मेरे भगवान पर उंगली मत उठाना। जो मैंने कहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जज साहब, मैं कह रहा हूँ जरूर इन दोनों के भगवानों की मिली भगत होगी। आप इन लोगों की बातों में मत आइए, फरिश्ते भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब मेरे भगवान ने तोड़ा? अगर शक किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उस पत्थर से मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा और मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर योर ऑनर। अगर ऐसे केस लेने लगेंगे तो कल लाखों लोग ऐसे स्टूपिड केसेस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस। दिस केस शुड बी डिसमिस्ड और ऐसे सारे केसेस को खारिज कर देना चाहिए इमीडिएटली। 1 करोड़ का केस तो कोर्ट डिसमिस कर भी दे, लेकिन 500 करोड़ के स्कैम का क्या करोगे? कौन से कॉलेज से लॉ पढ़ा है आपने? मुझे तो शक है आपने लॉ किया भी है या नहीं। जज साहब, आप प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। वादी और प्रतिवादी की दलीलें सुनकर कोर्ट इन सभी 700 केसेस को इस केस के साथ जोड़ने का हुक्म देती है। केस से संबंधित सभी विटनेसेस को सभी आरोपियों को केस खत्म न होने तक शहर न छोड़ने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। ये एक सरकारी परिसर है, यहां तुम सुरक्षित हो, पर बाहर
ये सब वही लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद और चर्च में बड़ी उम्मीद से जाते हैं। जब ये सवाल पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगे? हे भगवान, सुनो, भगवान है ये बात प्रूव करनी होगी। प्रूव क्यों करना है, भगवान है ना, हम सब मंदिर तो जाते ही हैं। करेक्ट, जो भी भगवान में यकीन रखता है अपने हाथ खड़े करो। तुम्हें यकीन नहीं है? सर, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, भगवान के होने पर टेक्निकल डाउट्स है मुझे। अकॉर्डिंग टू साइंस, भगवान की थ्योरी। सुन, भगवान पर डाउट है, मुझे तो तुझ पर डाउट होता है। एक सेकंड में डाउट क्लियर करता हूँ, तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ। तू चिल्लाएगा हे भगवान, है ना? तुझे पता है ये 500 करोड़ का केस है, जिसमें से 400 करोड़ अकेले हमारी कंपनी को ही पे करना है। तेरा साइंस पे करेगा? बोलना, तेरा साइंस पे करेगा क्या? शांत हो जाओ, कूल डाउन। यहाँ आग लगी पड़ी है और आप कूल डाउन कहते हैं? उसके साथ और कौन रहता है? सब उसे छोड़ के चले गए, अकेला रहता है, उसका घर भी गिरवी है। मतलब उसके लिए अब रोने वाला कोई नहीं है, अगर वो मर गया तो कोई केस नहीं करेगा। हेलो हेलो, कौन छे? अपुन मामू। इस पृथ्वी पर पूछे गए हर सवाल का जवाब अपुन देगा। अल्लाह के बारे में पूछ, अपुन बताएगा। जीसस के बारे में भी पूछ ले। अगर कृष्ण के बारे में पूछेगा तो आई नो एवरीथिंग। ओ, तुम हो। उस दिन मुझे गुंडों से बचाया, आज मैं अकेला हूं तो मुझे कंपनी देने आ गए। तुम्हारा सेंस ऑफ टाइमिंग भी कमाल है। मैं समय पर नहीं आता, समय मेरे हिसाब से चलता है, भगवान हूं मैं। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। तुझे कुछ आइडिया है भगवान कैसा दिखता होगा? वो देख, भगवान शर्ट नहीं पहनते, शरीर पर जेवर, हाथ में चक्र, सर पर बहुत बड़ा मुकुट और बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं, तब जाके भगवान बनते हैं। कायपन फेंके छे। गोपाल, ये फोटो तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। अपन नहीं मानता। क्यों? उस फोटो में माला है, सर पर तिलक है, होठों पर स्माइल है। अब साबित करो कि वो फोटो तुम्हारी है। अरे, वो मेरी शादी की फोटो है। ओ, शादी की फोटो। उस टाइम का तुम्हारा गेटअप अलग था, तब वो ट्रेंड था, आज अलग ट्रेंड है। अब उनकी लेटेस्ट फोटोज किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपडेट नहीं की है, मेरी पुरानी फोटो से ही काम चला रहे हैं। चेंज करना होगा, आप उनको अपना डीपी चेंज करना होगा। सुनो मोटा भाई, भगवान और मुझ में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अब तुम हर दो मिनट पे अपने आप को भगवान भगवान कहोगे ना, तो गाने बाजे के साथ तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा। अच्छा, तो अपन को अपन के ही घर से निकालेगा? तुम्हारा घर? ये बगाड़, घर के पेपर्स राम जी के पास तुमने गिरवी रखा था, मैंने खरीद लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो उसे पैसे देने ही वाला था। हाँ, पर उसने घर मुझे बेच दिया। लेकिन तय तारीख से पहले वो कैसे बेच सकता है? उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। चिल मामू, चिल, ठंडा ले। गोपाल, केस जीतने के बाद तेरे को पैसा मिलेगा, तो आप उनको दे देना, अपन घर लौटा देगा। लौटाना था तो खरीदा क्यों? देख मोटे, मेरी एक कंसल्टेंसी फर्म है जहां मैं जरूरतमंदों को सलाह देता हूँ। यानी एडवाइस? जैसे जिसके प्रॉब्लम्स वैसे मैं सॉल्यूशंस देता हूँ। सर्विस ओपन टू ऑल। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं लोकेशन शिफ्ट कर लेता हूँ। आने में भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पर आने की गारंटी पक्की। जैसे इस बार आए ना अपन इसकी हेल्प करने। तो मेरी हेल्प करने आए हो? कोर्ट केस, दुकान का गिरना, और फिर पत्नी और बच्चे भी छोड़ के गए। गोपाल, तुम भी यहां रुक सकते हो, लेकिन देखो भाई, अपन यहां टीवी फ्रिज यूज करेगा, अपन को कुछ बोलने का नहीं, बाद में पंगा नहीं। ठीक है भाई, पर बिना बताए किसी को घर बेच मत देना,
केस जीते ही मैं ये घर वापस खरीद लूंगा। तथास्तु। बोले तो खुश रहे। थैंक्स दोस्त, अपने घर में मुझे रहने देने के लिए। क्या? मतलब तुम्हारे घर में मुझे रहने देने के लिए। गुरुजी खाना लगा दिया है। भूख न थी मैंने, इन्हें खिला दे। सभी इनको अकेला छोड़ के चले गए, इनकी पत्नी भी। सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता, अकेले ही चलना पड़ता है। देखते हैं कितनी दूर तक चल पाता है। ला थाली दे अपन को। मोटू घर में मक्खन है? क्या कहा? बटर, बटर पूरी के साथ। मजा आता है, जा लेके आ। लाता हूं। गोपाल राव ने भगवान के अस्तित्व को लेकर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। हर कोई अपने मत को सही ठहरा रहा है। I think he's mad. मानना है। हाँ, मुझे भी लगता है। कर रहे हैं वो सही है। एक कहाँ जा रही हो? कहना है। रेडियो बंद करो मीनाक्षी, सुबह सुबह सोने दो। मीनाक्षी घर आ गई। मीनाक्षी। चौरसिया महाराज, तो तुम्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है? ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता, अब उनको सब आता है। मास्टर ऑफ ऑल कलास। ओह, मल्टी टैलेंटेड हूँ, देख के लगता नहीं क्या मामू? ये ऐसे नहीं समझेगा। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे मैंने? तुम तो मुरलीधर हो, फिर तो मुझे हाथ जोड़ के रहना होगा। एग्जैक्टली। सारे पागल मेरे पल्ले पड़ गए। बीवी मुरलीधर के पीछे पागल है, ये अपने आप को ही गिरधारी समझता है। सर, मैं डीडी की कॉरेस्पोंडेंट हूँ, आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज आप बाहर आएंगे? मेरे घर के बाहर? सर, गोपाल सर, हमें आपका इंटरव्यू लेना है, प्लीज हाँ कह दीजिए, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। सुनिए मैडम, मैं आपके न्यूज चैनल के लिए कोई मॉडल नहीं बनूंगा, जाइए। सर प्लीज सर, आप जाइए यहाँ से। देश आपकी बात सुनना चाहता है। सर प्लीज सर, यहाँ मेरी जान पर बनी पड़ी है और इन्हें फालतू का इंटरव्यू चाहिए। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है लीलाधर? अब वक्त आ गया है कि आप अपने आश्रम में होने वाले सारे अनैतिक कार्य बंद कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग भगवान के नाम पर एक पैसा भी ना दें। थैंक यू। याद रखना लीलाधर, भगवा एक रंग या पोशाक नहीं बल्कि हमारा धर्म है। थैंक यू। स्वामी जी, ये गोपाल राव तो हीरो बन गया है। इंश्योरेंस क्लेम 1 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। सोचने के लिए कितना समय लेंगे? जल्दी से कोई उपाय निकालिए, अगले महीने बैंकॉक जाना है एक धार्मिक प्रवचन के लिए। बेटा सिद्धेश्वर, जल्दी से बैंकॉक पहुंच जाओ, ऐसा भगवान ने सपने में आकर मुझसे कहा। लेकिन क्या करूं? जज का ऑर्डर है, देश के बाहर नहीं जा सकता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट तो है नहीं जहां कुर्सी तोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया जाए। कोर्ट है और यहां कायदे कानून मानने पड़ते हैं। स्वामी जी, मेरे पास एक आइडिया है, पुराना तो है पर अभी भी इफेक्टिव है। थैंक यू। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, युगों युगों से केवल भगवान भक्तों की सहायता करते आए हैं, अब हमारी बारी है कि उनके मान की रक्षा करें। हर समय हर पल ईश्वर की दृष्टि हम भक्तों पर है, क्या हमें भगवान को उस पागल नास्तिक से बचाना नहीं चाहिए? उड़ना, उड़ना।
हमारा धर्म हमें अनुमति नहीं देता कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं। हमारा शस्त्र है शांति, सत्य, दीक्षा। कल स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सिद्धेश्वर महाराज के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया, दुष्टों को दंड देने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु, कर्तव्य का बोध जगाने हेतु, हम सबकी ओर से इस महान कार्य में ये हम सब का प्रतिनिधित्व करेंगे। संसार को धर्मशास्त्र और ईश्वर का सही अर्थ समझाने हेतु ज्ञान स्वरूप श्री सिद्धेश्वर महाराज आज और अभी से अपने प्राण त्यागने तक सिद्धेश्वर महाराज आमरण अनशन करेंगे। ईश्वर को बचाने का यही अवसर है। भले ही भूख प्यास से मृत्यु हो जाए, उनके लिए पानी की एक बूंद भी पाप है। सिद्धेश्वर महाराज की जय! 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 सिद्धेश्वर महाराज। श्री सिद्धेश्वर महाराज को आमरण अनशन पर बैठे आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। देश के कई धार्मिक संगठनों ने सिद्धेश्वर महाराज के आमरण अनशन का समर्थन किया है। हमने गोपाल राव से उनकी राय जाननी चाही पर उन्होंने मीडिया से मिलने से मना कर दिया। न भोजन की रत्ती भर भूख, न पानी पीने की प्यास लगती है, यही सच्ची तपस्या है। स्वामी लीलाधर के पावन निर्देशन में सिद्धेश्वर महाराज अपना संकल्प पूरा करेंगे। इन्हें विजयी बनाना हम सबका उत्तरदायित्व है। और अब मैं चाहूंगी कि आप सब मेरा साथ दें, सब मिलकर बोलें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मेरे क्रोध को और मत भड़काओ, राज्य के साथ तुम्हें भी समुद्र में डुबा दूंगा। मेरे साथ चलो तभी कृष्णा का सत्य पाओगे। अभी बताता हूँ, चलो। हरे कृष्णा मुझे उठा कर। मीनाक्षी थी तो कभी पता ही नहीं चला कि गीले कपड़े इतने भारी होते, उन्हें सुखाना कितना मुश्किल। अरे नाश्ते में क्या खाया था? तुम मुझे ही नहीं उठा पाए तो पूरे राज्य को कैसे उठाओगे? ए मुंह बोले ईश्वर, वहां देख, इसे कहते हैं ईश्वर का रूप। घटोत्कच भी नहीं उठा पाया उसे, तुझे तो कोई बच्चा भी उठा लेगा। जो दिखता है वही पहले बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। आ उठा के देख ले बापू। तुझे उठाने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। अगर नहीं उठा पाया तो मुझे भगवान मानेगा? और अगर उठा लिया ना तो खुद को भगवान कहना बंद। ठीक है लॉक कर दे। तुझे तो मैं एक ही झटके में उठा लूंगा। हाँ बहुत जोया। दम है तो उठाओ। आयरन मैन से भी भारी हो। दम लगा के हाई सा। बाप रे। तेरा नाम घटोत्कच होना चाहिए था। कितना भारी है, दिखने में तो नहीं लगता। सच सच बताओ, नाश्ते में क्या खमन ढोकला खाया था? अरे बाप रे, गर्दन अकड़ गई, इतना पावर।
तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है? ए माखन चोर, मक्खन खाना चाहोगे? आ जा। थैंक यू। क्यों जी, मैंने कहा था ना एक हाथ से उठा दूंगा, अब बोलो कैसी रही? आज तो तूने कहावत सच कर दी मामू, बुद्धि बड़ी या भैंस। भगवान ने थोक के भाव से बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो। पहले उपयोग करो फिर प्रयोग करो। बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करो। जैसे कि कहा? इकड़े रे। ए गोपाल राव, तुम राक्षस हो, दुष्ट हो, इस समाज के दुश्मन हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी टूटी हुई दुकान का मुआवजा ईश्वर दे? जिस हवा में तुम सांस लेते हो वो ईश्वर ने दी है, आत्मा को शरीर भी उन्होंने दिया है, इसके बदले तुम क्या देते हो उन्हें? अभी आपने सुने गोपिका माता के दिए तर्क। अगर सहमत है तो वाई, नहीं तो एन टाइप करके हमें SMS भेजें। इस नंबर पे हमें SMS भेजें 420। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? 518 हमारी लाइनें 24। ना समझ इंसान कोई गलती करे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन समझदार इंसान गलती पर चुप रहे तो सटक जाती है। जब तक समझदार लोग चलता है का चश्मा पहने रहेंगे, मूर्ख लोग ही सत्ता में रहेंगे। साची बात। अब देखना इन ढोंगी लोगों की फौज को कैसे रोड पर लेकर आता हूँ, इन्हें और इनके भगवान दोनों को। ये लो। मामू तू हर बात में भगवान को काय को घसीटता है। नमो 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 नमः। नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो भगवान कटघरे में। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का फोकस एक आदमी पर है। कुछ लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, पर कुछ लोग इन्हें नायक के रूप में देखते हैं। लाइव शो सर, आज पोल खुलेगी इसकी। जब मुसीबत आती है तो भगवान को याद किया जाता है, लेकिन इनके मुताबिक भगवान आज खुद मुश्किल में हैं। मिलिए हमारे खास मेहमान मिस्टर गोपाल राव से। तो गोपाल जी, ये बताइए कि आप भगवान के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये भ्रांति मीडिया की फैलाई हुई है, ये केस धर्म का है ही नहीं। यहाँ बात मेरी तकलीफों की है, और यहाँ सवाल किसी धर्म का नहीं है बल्कि मानवता का है। तो मतलब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं? हवे हूँ शू कहूँ, मेरे पापा के बारे में पूछते तो मैं बता देता, उनकी डेथ हो चुकी है। जिसे कभी देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ कि वो फैक्ट है या फिक्शन? वो तो इंश्योरेंस वालों ने बताया कि भगवान धरती पर आए और मेरी दुकान तोड़ गए, इसीलिए ईश्वर को बुलाया मैंने। तू तो खुद नास्तिक है, तेरा क्या भला होगा, जा करम जले। गला सूख गया होगा, चुसो। आपको एक बार भी नहीं लगा कि भगवान पर केस करना गलत है? तो क्या उनसे लड़ता? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लीगल रास्ता अपनाया। इंसान गलती करे तो हम उस पर केस करते हैं, लेकिन जब भगवान का नंबर आता है तो हम सबकी हवा टाइट हो जाती है। कुछ भी मतलब इंसान और भगवान एक ही है? क्यों नहीं, राम कौशल्या का बेटा था, कृष्णा देवकी का बेटा, और मैं अपनी माँ का। तुमने बिना वजह जन्म लिया। तुम बिना किसी वजह के पैदा हुए होंगे, मैं नहीं। यहाँ सबके जीवन का एक मकसद है, बेची जा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ वो शायद पिछले जन्म का पाप हो जिसकी सजा अब मिल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? संन्यास कुमार। एक बात पूछूं कुमार, मैं भी तुम्हें एक सटाक से लाफा मारना चाहता हूँ। उसे पिछले जन्म में किए पाप की सजा मान के इस जन्म में खाने के लिए तैयार हो? चुपचाप बैठ जा भाई, इनके पास हर सवाल का जवाब है। ये महापापी मानव जाति को संकट में डालेगा। इस जन्म में तो कुछ करेंगे नहीं, और अगले जन्म में सुपरमैन बनने की बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई तालमेल ही नहीं। एक कहता है कि इस जन्म के पाप की सजा आपको इसी जन्म में मिलती है, और दूसरा कहता है कि अगर इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी। एक फिलॉसफी और है, वो तुम्हें नर्क ले जाएंगे। वहाँ एक मेन्यू कार्ड छपा होता है जिसमें एक तंदूर में जलने का ऑप्शन है, दूसरा खोलते तेल में तलने का ऑप्शन है, या कांटों की सेज पर लिटाने का ऑप्शन है। ये सब क्या है, हम इंसान हैं या तंदूरी चिकन? कोई चाकू दिखाकर डराता है तो कोई सजाओं के नाम पर हमें डराता है। ये आस्था है या सेल्समैनशिप? गोपाल जी, कहते हैं जो भी होता है उसके पीछे दैविक शक्ति होती है। अच्छा, तुमने वो दैविक शक्ति देखी है या फिर किसी और ने उसे देखा है? बहुत से चमत्कारी बाबाओं को आपने हवा में से पत्थर पैदा करते देखा होगा। अगली दफा उन्हें हवा में से तरबूज लाने के लिए कहना, जब वो ये नहीं कर पाएगा तब बैठ के सोचना। नेक्स्ट जनरेशन को क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहा है। ये गोपाल भाई लॉजिक बहुत अच्छे देते हैं। आप छा गए गोपाल भाई, आपके नाम का नारियल फोड़ूंगा। सौ गांडा छे, अभी लॉजिक पर इतना बड़ा लेक्चर दिया। हर मन्नत का रेट लगाते हैं। क्रिकेट बैटिंग में 1 करोड़ जीतने पर 1 लाख का चढ़ावा, 3 पत्ती में जीतने के लिए 100 की हरी पत्ती चढ़ाने का प्रॉमिस। काम सारे पाप के करते हैं, लेकिन उसमें भगवान का सपोर्ट चाहिए। ईश्वर से कहते हैं मेरा काम करवा दो, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। खुद को प्रॉफिट, उनको बाल। अजीब सौदा ये। हम तुम्हारी बात से सहमत है, पर हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराएं, उन्हें भी तो निभाना पड़ता है। साची बात छे मोटा भाई, आपकी कोई बेटी है? एक बेटी है। उसकी शादी हो गई? अभी तक नहीं। एक बात पूछूं उसे, अदरवाइज मत लेना। कल को उसकी शादी हो जाए और उसका पति किसी कारण से मर जाए तो क्या पति की बॉडी के साथ उसे भी जला देंगे?
सती होना तो पुण्य है, हमारी परंपरा है, किसी जमाने में हमारे देश का धर्म था, अब उसे क्यों फॉलो नहीं करते? वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से धर्म क्या है? वक्त के साथ धर्म के मायने बदलते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, समय और स्थान से परे। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, इन सब की जरूरत नहीं? आज जिस तरह लोग धर्म को अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इससे हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। एक बात दावे से कहता हूं, इंसान एक पत्थर को भगवान बना सकता है, लेकिन अगर भगवान है तो हर इंसान को इंसान बनाकर दिखाए। हाँ, इसने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं पहली ही मुलाकात में समझ गया था, ये आम इंसान नहीं है। सर, अपनी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस तो है ना? मिस्टर गोपाल राव, हैट्स ऑफ टू यू, आपने मेरा और हमारे दर्शकों का धर्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोर्ट का फैसला जो भी आए, आने वाली जनरेशन को और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एक दिन किसी ने इस ग्राउंड पर एक पत्थर रख दिया और अगले दिन लोगों ने उस पर हार और फूल चढ़ा दिए। अब तो मंदिर बनाकर उसकी पूजा भी कर रहे हैं। पूरे एरिया में यही एक ग्राउंड है, हम कहीं और नहीं खेल सकते। म्युनिसिपैलिटी ने ऐसे नहीं हटाया तो हम डायरेक्ट गोपाल राव से जाकर कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कल तक मंदिर हट जाएगा। और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच। बोलो सिद्धा, ईश्वर तुम्हारे स्वप्न में आए? सपने में ही क्यों, डायरेक्ट उन्हें देख पा रहा हूँ। आश्रम के बाहर जूते संभालने का काम करते करते मैं खुद स्वामी बन गया। वो भी क्या दिन थे, प्रसाद में मिले केले खाता था और आजकल छुप के टॉयलेट में बैठकर खजूर खाने पड़ रहे हैं। अब सहन नहीं होता स्वामी, मुझे इस मुसीबत से निकालो। ये अनुचित होगा सिद्धा, आमरण अनशन तोड़ोगे, भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कौन से भक्तों की बात कर रहे हो स्वामी, यहाँ तो सिर्फ माइक वाला और मंडप वाला ही है, वो भी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। हर 5 मिनट में केला खाता था, अब अकेला भूखा मर रहा हूँ। हर छोटी बड़ी समस्या में धीरज खोदोगे तो जीवन का उच्च लक्ष्य कैसे पाओगे? सहलो। Hey! मैं तो सहलूंगा स्वामी, बचपन से भूखे रहने की आदत है मुझे, पर आपकी चिंता हो रही है। आज मैं शिकार हुआ हूँ, कल आपकी बारी है स्वामी। स्वामी जी, वॉच का क्या करूँ, आजकल तो लैपटॉप का जमाना है। आप तो हवा में महल बना लेते हैं, लैपटॉप तो बहुत छोटी चीज है। बस बस, यहां जो बारो, ये मेरी वाइफ का घर है। ये तेरे ससुर का घर है, तेरा घर तेरी वाइफ का घर है। वो जो भी हो, मोक्षा मोक्षा, वॉल्यूम बढ़ा ना मामू। अरे अगर पता चल गया कि मैं हूं तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, अंदर से लॉक होगा, कूदना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही ऊंचा है ये मेरे बस की बात नहीं लग रही है। जरा यहां ना भाई। क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए, अपने हाथ का सपोर्ट दो, दरवाजा फाड़ना है। हाथ रखो ना भैया।
तुम कैसे आ गए? जैसे तुम आए दीवार फान के। अब ठीक है, तुम यहीं रुको। ओके। आप यहां क्यों आए हैं? मीनाक्षी, अब तक मुझसे नाराज हो? मुझे डांटो, मारो। भगवत गीता भी अपने पति को मारने की परमिशन देती है। कहां लिखा है? यहां हूं। हेलो, तुम यहां किस लिए आए हो? तेरी सेटिंग करवाने। ये कृष्ण जी हैं, हमारे घर के ओनर। इन्होंने अपने घर में मुझे शरण दे रखी है। अच्छी बात है, चलती हूँ। मीनाक्षी, मैं तुम्हें यहां लेने आया हूँ, और मोक्ष मेरे बिना कैसे रहेगा? ठीक है, मेरे लिए नहीं तो उसके खातिर केस वापस लो। ये नहीं बदलेगी, चलो यहां से। क्या हुआ, उपवास रखा है? उपवास का मतलब ईश्वर के पास रहना है, पर तुम और दूर चली गई। जब ईश्वर के नजदीक नहीं रह सकती तो उस तक कैसे पहुंचोगी? तुम ये मत समझो कि गोपाल भगवान के विरुद्ध है, वो तो उससे सवाल कर रहा है जो हर एक का हक है। गोपाल वर्सेस गॉड, ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए, कहा सिद्धा आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है, अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं, हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं, भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओ, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5-स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है, ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं, इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, गर्मी हो या सर्दी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर, इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था, शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था, सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था? मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था, टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था, शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। मिलकर अच्छा लगा बंदा। मौलवी साहब,
दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है। जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चे मन से एक बात बताइएगा, जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? और मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट यू ऑनर, भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए यह शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी। मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही, दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए, तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए, तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोर्ट नहीं, बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स। सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनसे क्या कहेंगे? क्या आपके जज ने आपको सबूत पेश करने को कहा है? आप कहां से लाएंगे? कुछ तो बोलिए सर। सर, सर जवाब तो कहिए। सर, चिंता मत कर बेटा। माँ जी, चिंता मत करो, ईश्वर जरूर न्याय करेंगे, उन्हें आना पड़ेगा। चल बेटा। अरे रे रे रे, सारी मेहनत बेकार गई। ध्यान से खेलना चाहिए, हर कदम पर खतरा है। क्या बिड़ू, एक गेम हो जाए कृष्ण के साथ? हारने से डर लग रहा है क्या? उस औरत का दिमाग खराब है, कहती है भगवान आएगा। अरे क्या जानते हो तुम उसके बारे में? लोगों के जीवन से खेलने वाला पालनहार कैसे हो सकता है? जानता हूं वो चतुर्भुज कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन 700 लोगों को कौन समझाएगा? वो बुढ़ी औरत भी काना पे बहुत यकीन करती है। चीटर छया माखन चोर, ये मुरलीधर चीटर है। महाभारत में एक ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के हाथों मरवाया, और इस युद्ध की वजह से न जाने कितने परिवारों को दुख उठाने पड़े। ये धर्म है, इसे ही कहते हैं धर्म। एक भरी सभा में राजा के समक्ष, राज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष कौरवों द्वारा एक नारी का चीरहरण होता है। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, जिसने भी आवाज उठाई उसने अपने प्राण गवा दिए। उस सभा में भीष्म पितामह भी चुप बैठे। अश्वत्थामा अकेले इंसान थे जिन्होंने उस घिनौने कार्य का विरोध किया था। वो धर्म था। ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे, यही धर्म है। अपनी गलतियों के लिए ईश्वर को दोष मत दो। उन बेबस लोगों के आंसुओं का कारण कौन है? तुम खुद हो। तुम पर वो ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लीडर का काम विश्वास जगाना नहीं, उन्हें राह दिखाना है। स्वयं जीतने के बजाय उन्हें जिताना है।
जोश और अत्याचार से युद्ध नहीं जीते जाते, ज्ञान होना आवश्यक है। यह पवित्र भगवद गीता है, इस पर तुम विश्वास नहीं करते लेकिन मुझ पर तो करते हो ना। इस धरती पर होने वाली हर समस्या का समाधान इसमें मिलेगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो जी। अल्लाह के नाम पर यूं मांगने की बजाय थोड़ी मेहनत करो जाकर, अल्लाह तुमसे खुश होगा। सर सर बूट पॉलिश सर। नहीं चाहिए। मैं सर, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो अल्लाह खुश होगा। करो करो, अपना हाथ लाओ, ये रखो। हे अल्लाह, आज न्याय के इस मंदिर में भगवान और इंसान के बीच संघर्ष का अंतिम दिन है, तो देखते हैं कि आज क्या नतीजा आता है। सर आज फाइनल हियरिंग है, तो केस कौन जीतेगा? केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं, आज तो बस एक फॉर्मेलिटी है। पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है सर। He has already lost the case. इंतजार करना होगा कि केस कौन जीतता है, इंसान या भगवान। मिस्टर गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहाँ कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कही हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवद गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है, उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। हेजे में घुसी बात। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। क्यों सिद्धा जी, सच में गीता समझते हैं या तोते की तरह इनकी बातों को रिपीट करते हैं? सर, ये प्रार्थना याद करने वाला स्कूली बच्चा है, आंखें बंद करके बस होंठ हिलाता है, बाकी सब जी बिलाते हैं, ये सिर्फ हाथ हिलाता है। साइलेंस। तू अधर्मी है, नादान है, एक सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है तूने, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें बड़ा पता है महाराज, क्या वहां भी ब्रांच खोल के रखी है? साइलेंस। साइलेंस। मेरा अपमान किया तूने, मेरा अपमान किया तूने। रिलैक्स, गुस्सा नहीं। पापी। अल्लाह कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उन्हें। साइलेंस, छोड़ो उन्हें, मैं कहता हूं। व्हाट इज दिस? पीछे पीछे, नहीं छोड़ो, रुको, ऐसा नहीं कर सकता। साइलेंस, रुको। ऑर्डर, रिलैक्स। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठिए पंडित जी, सिट डाउन। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए प्लीज। शांत हो जाइए। दुखेश्वन विघ्न मना सुकेशु विगत स्प्रहा वीतराग भय क्रोध
स्थित धीर मुनिर उच्चते। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। इसका अर्थ है जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो अपने क्रोध और भय को काबू कर सके और सभी जीवों में परमात्मा देख सके, वही साधु होता है। ये पाखंडी पंडित हमें क्या गीता सिखाएगा? मेरी दो बातें सुनके तो इसको गुस्सा आ गया था। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है सिद्धेश्वर जी? हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं। हमें इस बात पर प्रूफ चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हारी दुकान तोड़ी। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। रिलैक्स रिलैक्स। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? भगवत गीता एक भगवान की देन है। हाँ, यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है, उसका हर अक्षर। प्लीज इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। एक तद योनिनी भूतानी सर्वानी उपधार्याया अहम कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है। गीता पढ़ाने वाले से ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो? आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो ईश्वर। वेरी गुड, इसे भी प्लीज नोट करें योर ऑनर। इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए सर, इसकी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भर्ता प्रभु साक्षी निवाशा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूँ। रचयिता भी मैं हूँ और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूँ। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है? Objection, Your Honor. Objection overruled. कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है, अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। चैप्टर 54 वर्सेस 16, आई हु क्रिएटेड हैव आल्सो क्रिएटेड द रेवेजर टू डिस्ट्रॉय। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है, मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी, अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। हर्जाना तो इनके सेल्समैन को भरना होगा। आपको जो सबूत चाहिए थे वो मैंने आपको दे दिया योर ऑनर। अब आपको न्याय करना है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन किस लिए? अगर भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करने से बच जाएगी। बातें करते हो, रिलैक्स रिलैक्स। क्लेम दिलवाना चाहते हो क्या? दुकान की मरम्मत के पैसे हमसे दिलवाना चाहते हो? कहाँ हो ईश्वर? धर्म दांव पर लगा है, अन्याय का विजय हो रहा है। आओ आओ मुझ में समा जाओ ईश्वर। आओ समझाओ, मैं कहता हूँ आओ। हमें न्याय चाहिए इस धरती पर। आओ ईश्वर, आकर मुझ में समा जाओ। आते क्यों नहीं ईश्वर? चुप क्यों हो ईश्वर? अपना चमत्कार दिखाओ। आओ ईश्वर मुझे। क्वाइट एवरीबॉडी, सिट डाउन सिट डाउन। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस पापी का अंत करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति दो मुझे। हाँ हाँ, अब आप सबको हर जाना मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, हम सबकी जीत हुई है सर। गोपाल जी, गोपाल जी, गुरु ये देखो, गोपाल भाई को क्या हो गया? गोपाल भाई, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो।
जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले गोपाल राव को किसी अज्ञात व्यक्ति ने भरी अदालत में चाकू मार दिया। क्या यही है देश का कानून? रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ। अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। मुझे एक बार उन्हें देखना है कि कैसे हैं वो। उनकी तबीयत कैसी है? He's in critical condition। ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो अब कोमा में चले गए। एक इंसान की ईश्वर से लड़ाई नहीं है, उन अंधविश्वासियों से है। लोग पाखंडियों को भगवान मान लेते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने स्वयं ईश्वर ने इसे दूत बनाकर भेजा है। भ्रमितों को सही राह पर लाना उसका ध्येय है। गोपाल एक संत है। He is messenger of God। थैंक यू। उसके शब्दों को क्यों ना सच बना दें? भगवान गोपाल राव बाबा नहीं समझे, उसे ईश्वर का दर्जा देंगे तो भक्ति जीवित रहेगी। उसे भगवान का दर्जा देंगे और उसकी भक्ति को अपना व्यापार बना देंगे। वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। होगा, जिंदा रहा तो मना करेगा, मरने पर ईश्वर बन जाएगा। हम बनाएंगे स्वाहा अहम ब्रह्मास्मि। धार्मिक गुरु लीलाधर ने गोपाल राव को संत का दर्जा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स को वो अपनी तरफ से आर्थिक मदद देंगे। इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। ईश्वर को साक्षी मान के आज घोषणा करता हूँ, गोपाल के सपने मैं पूरे करूँगा। He's on ventilator। भगवान पर भरोसा रखो। मित्रवर, आंखें खोलो। मोटा भाई तुम्हें मीनाक्षी और मोक्ष कैसे? कोर्ट का फैसला क्या था? पक्का मैं जीता हूंगा, अब मरने का अफसोस नहीं होगा। मौत सामने खड़ी है फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है? सॉलिड बंदा है रे तू, तू फिट हो जाएगा, टेंशन रखो। क्यों क्या मामू, अपुन तेरे पास आया, तू अपुन के पास आना चाहता है? हाँ, काय करणार वरती? सिर्फ भगवान ही मरते हुए इंसान के साथ मजाक कर सकता है। यू मस्ट बी गॉड। मेरी मृत्यु के समय मेरा दोस्त मेरे साथ है। थैंक यू मोटा भाई। तेरे को कुछ नहीं हुआ है, तू खुद ही देख ले। Thank you.
कुछ लोग मेरा अस्तित्व मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर तुम्हें तो मेरे होने पर ही संदेह था। आओ। जैसे तुमने मुझे कैलेंडर या गूगल के वॉलपेपर पर देखा था, मैं वैसे ही तुम्हारे सामने आ गया हूं। अब तो विश्वास हुआ? तो मेरे पीछे आप थे, मुझे कर्म पथ पर चलने का रास्ता दिखलाते रहे। मैंने आपके हाथों पर पैर रखा, पाप हो गया मुझसे। तुम मेरे मित्र हो गोपाल, मेरे सच्चे भक्त। मैं और भक्त? मैं तो सबसे बड़ा नास्तिक था कृष्णा, ना आप पे विश्वास था, ना ही आपकी कभी पूजा की। पूजा नहीं की, लेकिन मुझे भोजन तो करवाया। मैंने आपको भोजन करवाया? हाँ गोपाल, नदी में खाना बहाने के बजाय तुमने भूखे साधु को खाना दिया। ये लो। दुकान की मरम्मत के लिए तुमने एक मुसलमान को पैसे दिए, वो गरीब साधु और वो मुसलमान मैं ही था। तुमने जिन जरूरतमंदों की मदद की उनके अंदर मैं ही था। कभी सोचा नहीं था कि आप आएंगे धरती पर। अगर मुझे ये पता होता तो इतने अपशब्द नहीं बोलता मैं आपको। समस्या यह है कि लोग मुझे पत्थरों और मंदिरों में खोजते हैं, पर मैं तो इंसानों में रहता हूं। तुमने वहां ढूंढा, इसीलिए मैं तुम्हें मिला। आपकी माया मैं नहीं समझ पाया। कृष्ण हूं इसलिए लोग मुझे माया मानते हैं, लेकिन मैं यहां अपनी माया दिखाने नहीं आया। लोग मेरी तलाश में न जाने कहां कहां भटकते हैं, लेकिन मैं हर जगह हूं, समस्त संसार में हूं, इस धरती के कण कण में हूं। ऐसा है तो फिर आपने ये मंदिर आश्रम और इतने धर्मस्थल क्यों बनाए? मैंने तो सिर्फ मनुष्य और सृष्टि की रचना की है। मैंने उन्हें बुद्धि दी है ताकि वो अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझ सके। गलती करने पर बच्चे को मां को सच बताना है या नहीं बताना, ये फैसला उसे करना है। प्यार करने वालों को गलतियां करनी है या फिर उसे सुधारना है, यह उन्हें तय करना है। अच्छे या बुरे को चुनना, दूसरों की भूल को क्षमा करना, यह इंसान को तय करना है। अगर इंसान में जज्बात है तो वो मानव है, वरना तो वो सिर्फ एक मशीन है, रोबोट्स। लोग अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, जात पात धर्म और प्रांत के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं। गलत है। तुम एक महीने से कोमा में हो। देखो इस बीच क्या हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि गोपाल राव की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। कुछ लोग मान रहे हैं गोपाल स्वयं भगवान के अवतार हैं। आप बदुशु छे, देखते जाओ। स्वामी लीलाधर ने गोपाल राव को संत की उपाधि दी है और एक्ट ऑफ गॉड के तहत पीड़ित लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। गोपाल भगवान मेरे सपने में आए और पीड़ितों को ये धनराशि देने के लिए कहा। आपको कैसे पता कि गोपाल भगवान है? कोई भी साधारण मनुष्य अपनी मृत्यु का समय नहीं बता सकता, पर उन्हें पता था कि आने वाले विजयादशमी के दिन पर उनकी आत्मा उनका देह त्याग देगी। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। भगवान साईं बाबा ने भी इसी दिन समाधि ली थी। खुशियां फैलाने आया गोपाला, उनका स्वागत करो विद फूलमाला। गोपाला गोपाला गोपाला, आशीर्वाद दे गोपाला। क्या? आगे भी गो...
राजू हम तुम्हें डालेंगे वरमाला। गोपाल के बगल वाला बेड खाली है, उसे तुम्हारे लिए बुक कर दूं। उसने ही हमको गोपाला गोपाला। हम मार्केट में गोपाल के चार झूठे किस्से फैला देंगे, लोग उन चार के 40 बना देंगे। रात को मैं ड्यूटी पर था, अचानक से बैठे बैठे नींद आ गई, तभी किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा, मैं हड़बड़ा कर उठ गया। ड्यूटी के समय सोना महापाप है, ऐसी आवाज सुनाई दी मुझे। फिर स्वयं गोपाल राव बाबा मेरे सामने प्रकट हो गए, 10 फीट 100 फीट लंबे, नहीं नहीं 1000 फीट लंबे थे। मैं तो धन्य हो गया। कल रात मेरे गुरुजी मेरे सपने में आए थे, वो भगवान के रूप में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अवतार हूँ। सुबह मैंने देखा गोपाल बाबा अपने स्कूटर पर हवाई जहाज की तरह उड़ रहे थे, उनका स्कूटर मेरे छत पर लैंड हुआ। मेरे को लगा पेट्रोल खत्म हो गया होगा, मैं दर्शन करने को छत पे गई, पर वो हवा में टेक ऑफ हो गए। गोपाल भाई खुदा के नेक बंदे हैं। हाँ, वो एक भगवान है। विजय लक्ष्मी के दिन वेंटिलेटर हटा देंगे, गोपाल राव का दी एंड हो जाएगा। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, इंश्योरेंस कंपनी को 500 करोड़, डॉक्टर को 1 करोड़ और मंदिर बनाने में करोड़ों खर्च होंगे। लोगों को लूटने के लिए हर काम करते हो, तो भगवान को लूटने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो है, एक साल में पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। काफी समय से भक्ति के मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया। गोपाल बाबा के अंतिम दर्शन के लिए लोगों में उत्सुकता है। बाबा की समाधि की जगह पर उनकी एक बड़े आकार की भव्य मूर्ति की स्थापना की जाएगी। देश के हर कोने से भक्त आ चुके हैं। मेरी किंग साइज मूर्ति बना रहे हैं। गोपाल बाबा के मंदिर का निर्माण स्वयं लीलाधर महाराज करवा रहे हैं। ये सब क्या नौटंकी है कृष्णा? तुमने उनका बिजनेस खत्म किया, अब वो तुम्हें को अपना बिजनेस बना रहे हैं, तुम्हारे नाम से मंदिर बनवा रहे हैं, हर साल डोनेशन से 50 करोड़ कमाएंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप उन लोगों को रोकते क्यों नहीं है? प्यारे मित्र, चाहता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी रोक सकता था, पर धर्म के रास्ते में विघ्न नहीं बन सकता। यह युद्ध तुम्हारा है, कर्म तुम्हारे हैं, फैसला तुम्हें करना है। ईश्वर इंसान के रूप में हमारे बीच रहे, उनकी संगत में बहुत कुछ सीखा, धर्म का असली अर्थ बताकर हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए, हमें पिछले जन्मों के पुण्य का फल मिला। गोपाल राव बाबा की जय। गोपाल राव बाबा की जय। बाबा गोपाल राव बाबा की जय। क्या भगवान को अस्पताल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या ईश्वर की मृत्यु संभव है? असंभव है। ये सब ईश्वर की लीला है। मुकुंद मुरारी गोविंदा गोपाला परमानंदा गोपाल राव बाबा की। मर गया? वो अस्पताल से गायब हो चुका है। कहाँ गया? ये मुझे कैसे पता होगा, वो तो जा चुका, सीसीटीवी से भी कुछ पता नहीं चला। उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इतना भी नहीं जानते, अगर वो यहाँ पहुंच गया तो उसकी जगह हमारी समाधि बन जाएगी। गोपाल राव बाबा की जय। गोपाल राव बाबा की जय। गोपाल राव बाबा की जय। जल्दी ही ये लोग हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होंगे। गोपाल राव बाबा, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पब्लिक को देखकर लगता है जल्दी ही सारे इन्वेस्टमेंट्स रिकवर हो जाएंगे। वो अभी तक जिंदा है। मुझे पता है, वो लोगों के दिल में बस चुका है। 10 साल में होने वाली इनकम हम 1 महीने में ही रिकवर करने वाले हैं स्वामी। गोपाल राव बाबा की जय। ऑल आउट। जाओ, आप नहीं आओगे? जरूरत नहीं है। हा? मेरे दोस्त, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो सारा संसार तुम्हारी सहायता करेगा। जाओ दोस्त, अब जाओ भी। मुझे मरवा कर छोड़ेगा ये? जाओ। कोई रास्ता छोड़ा है? Thank you.
तुम्हारी असली जीत यहां नहीं वहां है। अब जाओ। गोपाल राव बाबा की। बाबा गोपाल राव बाबा Hello? की। क्या बच के भाग गया? क्या बात कर रहे हो? कैसे बच गया? पीछा करो उसका। गोपाल राव बच के भाग गया स्वामी। बुद्धिहीन प्राणी, कब से यही तो समझा रहा था, ये भी बोले जा रही है बाबा की जय, बाबा की जय। तुम्हें तो इन सारे लोगों के वोट मिल जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। मेरे 500 करोड़ का क्या होगा? स्वामी जी है ना, हवा में हाथ घुमाकर तुम्हारे पैसे दे देंगे, जाओ जाके ले लो। गोपाल राव बाबा की। गोपाल राव बाबा की। गोपाल राव बाबा की। गोपाल राव बाबा की। गुरुजी आप। मुझे कुछ नहीं हुआ। रुक क्यों गए? लगे रहिए। गोपाल बाबा की जय, गोपाल बाबा की जय। आपकी आस्था का लेटेस्ट भगवान हूं मैं। बाबा की जय, बाबा की जय। इनकी हर बात पर यकीन करेंगे? इन्होंने मुझे भगवान बना के नया बिजनेस शुरू किया है। छे, बाबा की जय, बाबा की जय। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात सिखाई कि सच्चे मन से याद करो तो भगवान स्वयं मिलने आएंगे, मानव रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इंसान में ढूंढोगे तो मिलेंगे, इन पत्थरों और मूर्तियों में नहीं। आज के बाद कोई भी इनके आश्रम नहीं जाएगा, ना ही इन्हें भगवान का एजेंट मानेगा और ना ही दान में एक भी पैसा देगा। यही इनकी सजा होगी। इन पाखंडियों को नहीं छोड़ेंगे। सालों से ये हमें लूटते आए हैं। भगवान के नाम पे हम सबको लूटा। मारो इन सबको। हाँ, हाँ, मारो मारो। रुके रुके रुके, शांत हो जाइए। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन्हें मारकर क्या मिलेगा? ये मर गए तो कल कोई और आ जाएगा। इन्हें भगवान का दर्जा कौन देता है? इन्हें धन का ठेकेदार कौन बनाता है? आप सबकी कमजोरी। ये रावण के 10 सर की तरह हैं। एक सर काटोगे दूसरा आएगा। इन्हें सर उठाने ही नहीं देना है। हर रोज दशहरा होना चाहिए। जाने दो इन्हें, जाइए। हे भगवान, गोपाल राव, ईश्वर भक्ति एक नशे की तरह होती है। एक बार नशा लग जाए उसे छुड़ाना लगभग असंभव है। जिन्हें तुमने बहकाया वो भगवान के भक्त नहीं है, सिर्फ भगवान से डरते हैं। इन्हें ईश्वर से कोई लगाव नहीं है, भय है। आज नहीं तो कल ये सब मेरे आश्रम में ही दिखाई देंगे। निर्भय भव। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। तुम्हारा विश्वास गलत नहीं था, सिर्फ गलत लोगों पर था। कृष्णा, जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। गोपाल, आ जाओ। कृष्णा, कृष्णा, किसे पुकार रहे हो बंधु? मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर इंसान में हूं। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें अपने अंदर के इंसान को पहचानना होगा।
किचन जेब में क्यों रख रहे हो? उसे अपना ताबीज बनाओगे? तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। किससे बातें कर रहे थे? तुम्हारे माखन चोर से। कहाँ है? आइया।